हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बैक टू बैक सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और हम सिलेबस कवर करवा रहे हैं, और सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिलता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करवा दो, हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे आप एक एक टॉपिक को लेकर के पढ़ाओ, जिससे कि हमारे सेमेस्टर वाइज या जो भी हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट होता जाए। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियोज़ हैं, और सिलेबस के रिगार्डिंग आपकी चौथी वीडियो है जिसमें हम सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज हम चौथे पेपर के बारे में बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी का, जिस पेपर का नाम है, उस पेपर को हम आपको दिखाते हैं। पेपर का नाम है समकालीन भारत में समाज एवं संस्कृति, यानी कि जो समकालीन भारत है, इस समय का हमारा जो भारत है, उस समाज में, भारतीय समाज में, समकालीन समाज में समाज क्या है भारत में, और उसकी संस्कृति कैसी है, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको समझना है। ओके दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके देखो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल। अगर आप हैं MMA और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर एक बार जाकर के विजिट करें, एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आप जाओ देखो, बहुत कुछ आपको इस पर चैनल पर आपको मिल ही रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके डाउट्स आते हैं, BA के बाद क्या करना है, BSc के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, बहुत कुछ हम इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो चलो आओ समझते हैं आज के समकालीन भारत के समाज और संस्कृति, जो आपका चौथा प्रश्न पत्र है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को बेसिकली आपको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है इसमें, वो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के क्या आधार हैं, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किन मूल्यों पर आधारित है, किन वैल्यूज़ पर आधारित है, उसकी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसकी नींव क्या है, उसका आधार क्या है, इस बारे में आपको बात करना है। एंड मानव की भारतीय अवधारणा, यानी कि मानव विकास की जो भारतीय अवधारणा है, कि मानव किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, उसकी भारतीय अवधारणा क्या है। अब अवधारणाओं में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि भारतीयों का परिवार कैसा होना चाहिए, यानी कि भारतीय समाज में एक फैमिली किस तरह से डिजाइंड होनी चाहिए, उस फैमिली के बारे में बात करना हो गया, या भारतीय संस्कृति हमारी है तो उसमें विवाह किस तरह से होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, रीति रिवाज उसके बारे में, नातेदारी व्यवस्था कैसी होगी, इस चीज़ के बारे में आपको बात करना है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में, ये सभी सामाजिक, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार है। भाई, परिवार हो गया, आपके विवाह हो गया, आपके नातेदारी हो गया, या समकालीन भारत में जो जातिवाद है, जाति या जाति की व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, विलयन हो रहा है, संलयन हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, भारतीय समकालीन में जाति को लेकर के थोड़ा सा, अब धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जाति को लेकर के जो सेंसिटिविटी है वो तो ख़त्म हो रही है, लेकिन पॉलिटिकली ये सेंसिटिविटी ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि हमारे नेता बार बार हमको बैक टू बैक हमें धर्म को याद दिलाते रहते हैं, और धर्म के नाम पर हमसे वोट लेते रहते हैं। और जब तक कोई देश धर्म के नाम पर बटता रहा, और धर्म के नाम पर जब तक वोट दिया गया, वो देश न कभी विकसित हुआ है और न कभी हो सकेगा। तो अगर आप अपने देश को बदलना चाहते हैं, तो धर्म के नाम से उठिए ऊपर, और जिंदगी में कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ ऐसे लोगों को जो है ढूंढने की, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए जो विकास की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति नहीं मेरे दोस्त। तो आई होप आप इस पर जरूर देखोगे। और जाति की व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या विलयन हो रहा है, जाति किस तरह से धीरे धीरे खत्म हो रही है या संलयन हो जा रहा है, जाति और वर्ग क्या है, जाति और वर्ग, जाति क्या है, वर्ग क्या है, जाति वर्ग में अंतर क्या है, वर्ग एवं राजनीति क्या है, वर्ग पर राजनीति किस तरह से की जाती है, सामाजिक भारतीय व्यवस्था में इस चीज़ को किस तरह से राजनीति के क्षेत्र में यूज किया जाता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको समझना है, आपका पहला टॉपिक जो है इसके अंतर्गत। ओके, इसके बाद जो आपका आता है दूसरा टॉपिक, वो है भारतीय एकता एवं विविधता। क्या है ये टॉपिक, भारतीय एकता और ये विविधता, भारत में एकता क्या है और विभिन्नता क्या है, विविधता क्या है। तो देखो, भारत में एकता की बात करें तो सांस्कृतिक बहुलवाद एक राष्ट्र है, जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे तरह के मानने वाले, तरह के पंथ के लोग, अलग अलग तरीके के लोग भारत में रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, लेकिन एकता एक देश के रूप में है कि सभी एक देश में मिलजुल करके आगे बढ़े और आगे एक सांस्कृतिक समन्वय हो सके, सभी की संस्कृतियाँ एक दूसरे के साथ मिल करके एक खूबसूरत बाग बना सकें। जैसे एक बाग है ना, उसमें अगर एक ही तरह के फूल हैं तो उसकी क्या खूबसूरती है यार, एक ही तरह का बस आपको एक जैसा ही लगेगा। लेकिन अगर एक बाग है जिसमें अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं और सभी फूल महक दे रहे हैं, तो उस बात की खूबसूरती का आलम ही क्या होगा। तो इसी तरह से हमारा भारत भी है यार, एक खूबसूरत कंट्री है जिसमें दुनिया के लगभग सभी तरह के रिलीजन्स आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे।
तो उस तरह के रिलीजन के बेस पर रहते हुए भी एकता का जो सामंजस्य है वो देखने लायक है। सांस्कृतिक बहुलवाद है, राष्ट्रीय एकता को लेकर के किस तरह से चीज़ें हैं, सांस्कृतिक समन्वय की जो समस्या आती है, उनके अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग तरह का मानना, अलग तरह की सोच है, अलग अलग तरह का माइंडसेट है, तो बीच में थोड़ी बहुत समस्याएँ आएंगी। तो वो समस्याएँ क्या आती हैं, उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करना है और समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या की जा सकती हैं, इन सभी चीज़ों पर आपको डिस्कस करना है। भारत में कुछ देखो अल्पसंख्यक है, जैसे कि अगर भारत में बात करोगे तो 72-80% जो है वो हिंदुज़म है, हिंदू लोग हैं। और इसके बाद आते हैं इसमें दुनिया के अलग अलग जितने भी रिलीजन है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या अलग अलग जो जैन हो, मतलब अलग अलग जितने भी हैं वो सभी मिलाकर के 20% भी नहीं है। तो इस तरह से भारत में अल्पसंख्यकों की क्या चीज़ है, उस अल्पसंख्यक किस तरह से उनके अंदर डर है, या अल्पसंख्यकों को इस तरह से प्रोटेस्ट मिल रहा है या प्रोटेक्ट किया जाता है, या उनके लिए क्या एक्ट है, सभी चीज़ों के बारे में बताना है आपको। धर्म के बारे में बताना है, धर्म निरपेक्षता है भारत में, समानतावाद के बारे में डिस्कस करना है, धर्म निरपेक्षता क्या है इसके बारे में करना है, समानतावाद और उभरते विवाद के बारे में बात करना है कि नए नए क्या क्या टॉपिक्स उभर रहे हैं, या समाज को लेकर के, देश को लेकर के, सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, संस्कृति को लेकर के नए नए जो उभरते विवाद आ रहे हैं सामने, उन विवादों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो और उसको आप किस तरह से देखते हो, ये चीज़ समझना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी चीज़ पर अपनी पूरी राय रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि विवाद क्या हमारे समाज में उभर रहे हैं और उन विवादों को किस तरह से बेस्ट वे में हम सोल्यूट कर सकते हैं। ओके, अगला है आपका महिलाओं का सशक्तिकरण। ये भी सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, महिलाओं का सशक्तिकरण। राज्य और स्वेच्छा संगठन की भूमिका, महिलाओं के सशक्तिकरण में राज्य की क्या भूमिका है, और स्वैच्छिक संगठन जो अपने से महिलाओं को लेकर के, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो संगठन बनाए जाते हैं, वो संगठन क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं, राज्य किस तरह से महिलाओं के जो शक्ति है उस सशक्तिकरण कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ध्यान दे रहा है, तो क्या संगठन है, इस चीज़ के बारे में आपको बात करना है। ओके, तो ये टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका जो है वो टॉपिक कह रहा है समकालीन भारत, जो आज का भारत है उस भारत में धर्म क्या है और उसकी कितनी भूमिका है, कितनी इंपॉर्टेंस है, या उसको कितना वैल्यू मिल रहा है, या मतलब धर्म को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और वैश्वीकरण किस तरह से हो रहा है, और संस्कृति और वैश्वीकरण में बीच में समन्वय किस तरह से बैठाया जा रहा है, या उसमें क्या क्राइसिस आ रहे हैं, या वैश्वीकरण से की वजह से संस्कृति में क्या हेर बदल हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये टॉपिक हमें देखना है कि इस समय समकालीन भारत में धर्म और वैश्वीकरण संस्कृति इसमें किस तरह से चेंजेज आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बात करना है। एंड इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है नव भारतीय अभिजात वर्ग। नौ भारतीय अभिजात वर्ग क्या है, भारतीय मध्यम वर्ग क्या है। आप देखो कि भारत के लगभग 70% से भी ज़्यादा आबादी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आती है, तो वो मध्यम वर्ग क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या भूमिका है, उसको कौन कौन से हक मिल रहे हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से ये इस वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, भारतीय समाज में किस तरह से दृष्टिकोण बन रहा है, मतलब हमें क्या करना है कि इस समय भारत में जो समाज है उन समाजों, उन संस्कृतियों को लेकर के बात करनी है कि उसको किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखा जा सकता है, जो नए विवाद आ रहे हैं उन विवादों को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और भारत के इस अनेकता भरे देश में एकता कैसे लाई जा सकती है, और एक साथ मिलकर के एक राष्ट्र के, एक तिरंगे के नीचे सबको किस तरह से लाया जा सकता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें, सॉरी इस पेपर में हमें पढ़ना है। दोस्तों आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पर आओ जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त तुम्हारे लिए चैनल। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।